जंतर मंतर पर आयोजित जनता की अदालत में आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा, बीजेपी वाले मेरे और केजरीवाल की दोस्ती तोड़ना चाहते थे। जी हां, आपको बताया जा कि अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद आज दिल्ली के जंतर मंतर पर जनता की अदालत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मंच से संबोधित करते हुए दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी वाले मेरी और अरविंद केजरीवाल की दोस्ती तोड़ना चाहते थे, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाए। अगर रामायण में भी कभी राम जी और लक्ष्मण जी अलग होते तो दोबारा मिलते तो ऐसे ही मिलते हैं, जैसे 13 सितंबर को केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद हम दोनों मिले थे। अब आइए सुनिए क्या कुछ कहा है आप नेता मनीष सिसोदिया ने। अभी 13 सितंबर को तो दिल भर आया देख के सर को। आपने देखी होगी, मैं जब सर तिहाड़ से निकल के, हम तिहाड़ के सामने भी थे, तिहाड़ से निकल के घर पहुंचे तो जो गले लगाया सर ने और मैंने सर को गले लगाया, आपने वो फोटो शायद देखी होगी, किसी ने फोटो ले ली थी, वो किसी ने फोटो खींची थी, मैं बाद में सोशल मीडिया पे मुझको किसी ने भेजी हुई फोटो में देख रहा था। हम दोनों के चेहरे पर आप जान सकते हो कि हमारे उनके बीच में क्या रिश्ता है, इस दोस्ती के बीच में क्या रिश्ता है। इसको तोड़ने चले थे बीजेपी वाले। मैं देख रहा था उस फोटो को और मैं सोच रहा था कि वैसे तो रामचरितमानस में, रामायण में, इस घटनाक्रम में कभी राम और लक्ष्मण अलग नहीं हुए, लेकिन अगर कभी राम और लक्ष्मण अलग होकर वापस मिलते तो ऐसे ही मिलते जैसे मैं और केजरीवाल जी जिस भाव से मिले थे, उनकी तस्वीर भी ऐसे ही आती अगर वो मिलते उस तरह से, राम लक्ष्मण भी अलग होकर मिलते। हम दोनों 18 महीने के बाद मिले थे। 13 सितंबर को सर जब वापस आए, शाम को सब हम लोग बैठे, सारे मंत्री विधायक बहुत सारे कार्यकर्ता थे, जब सब जाने लगे तो सर ने कहा 5 मिनट बैठो मेरे साथ। मैं और सर फिर बैठे थोड़ी देर घर में, जाने से पहले रात को बहुत कुछ बातें थी 18 महीने की कहने सुनने की, बहुत कुछ मेरे दिल में था, बहुत कुछ सर के दिल में था कहने के लिए। हमने बातें की, हमने चर्चा की कि किस तरह से 26 साल पहले परिवर्तन की लड़ाई शुरू की थी, किस तरह से हम दिल्ली विद्युत बोर्ड उस समय हुआ करता था, दलाल साहब जानते हैं, दिल्ली विद्युत बोर्ड हुआ करता था, दिल्ली विद्युत बोर्ड के दफ्तर के सामने मैं और अरविंद केजरीवाल जी जाके एक टेबल चेयर लगाते थे और वहां आने वाले लोगों को कहते थे इस दफ्तर में रिश्वत मत देना, हमने कानून पढ़ रखा है, अगर कोई इस दफ्तर का अधिकारी आपसे रिश्वत मांगेगा तो हम आपकी एप्लीकेशन बनाएंगे, रिश्वत मत देना। हम बैठ के दिन में 50-60 लोगों की एप्लीकेशन लिखवाते थे और वो लोग ऊपर जाके अपना काम करवाते थे, उस एप्लीकेशन की वजह से उनका काम ईमानदारी से होता था क्योंकि सिटीजन चार्टर के हिसाब से हम एप्लीकेशन बनाते थे। हमने उस दिन बैठ के याद किया सर ने और हमने कि किस तरह से 25 साल पहले 26 साल पहले यह लड़ाई शुरू की थी, ईमानदारी के लिए, देशभक्ति के लिए, गरीब लोगों की मदद के लिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई शुरू की थी। हमने याद किया कि कैसे दिल्ली की झुग्गियों में जाके गरीब लोगों के राशन कार्ड बनवाने से लेके गरीब लोगों के राशन दिलवाने तक की लड़ाई लड़ी है, इसलिए थोड़ी लड़ी थी कि किसी सत्ता में आना है, किसी कुर्सी पे आके बैठना है। हमने याद किया कि किस तरह से राइट टू इंफॉर्मेशन कानून बनवाया और जब देश में राइट टू इंफॉर्मेशन कानून बना तो पूरे देश में घूम घूम के लोगों को राइट टू इंफॉर्मेशन के बारे में बताया, लोगों की राइट टू इंफॉर्मेशन की एप्लीकेशन फाइल करने में मदद की, लाखों लोगों की राइट टू इंफॉर्मेशन की एप्लीकेशन फाइल करने में मदद करी, जिससे उनके काम ईमानदारी से हुए, जिससे वो भ्रष्टाचार से आम आदमी लड़ सका। ये सब लड़ाई लड़ी, हमने तो कभी सोचा नहीं था कि इन राजनीतिक कुर्सियों पर आके बैठेंगे, राजनीतिक पार्टी बनाएंगे, ये कभी सोचा नहीं था, कभी सोचा नहीं था कि सत्ता में आके बैठेंगे, इतने बड़े बड़े पदों पर जाके बैठेंगे, हमने नहीं सोचा था, लेकिन शायद भगवान ने हमारे लिए कुछ सोच रखा था।